आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र और सत्य वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के दोस्तों, आज का विषय है रीति विधि व्यवस्था यीशु की ओर इशारा करता है। यीशु और रीति विधि व्यवस्था का तीसरा भाग, जीसस एंड द सेरेमोनियल लॉ का तीसरा भाग वाले, क्या पापियों को कभी बलिदान देने और रीति विधि व्यवस्था के नियमों का पालन करने से धर्मी ठहराया गया था? पढ़े इब्रानियों 9:9-10। और यह तंबू तो वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, इसलिए कि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो सुधर के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। जवाब है नहीं। मसीह की मृत्यु, बलिदान और हव्या पर क्या प्रभाव पड़ा? है दानियल 9:26-27। और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है, और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ बच्चा बंधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्ना बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय से ठानी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। सवाल, यह कैसे कहा जा सकता है कि बलिदानों और भेंटों से संबंधित व्यवस्था को क्रूस पर ठोक दिया गया था? पढ़ें कुलुसियों 2:14। और विधियों का वह लेख और सहायक नियम जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। चूंकि सभी बलिदान और भेंट यीशु का प्रतिनिधित्व करते थे और मनुष्य के लिए उनके महान बलिदान में उनका नमूना थे, जैसे कि उन्हें क्रूस पर लटकाया गया था, वह उन सभी की पूर्ति थे। अब से जानवरों के ऐसे किसी बलिदान या ऐसे अन्य चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती, ना ही उनसे कोई लाभ होगा। जब ईसा मसीह के मुख से ऊंचे शब्द की पुकार पूरा हुआ, यूहन्ना 19:30 निकली, तो पुरोहित मंदिर में कार्य कर रहे थे। यह संध्या यज्ञ का समय था। मसीह का प्रतिनिधित्व करने वाला मेमना वध करने के लिए लाया गया था। अपनी महत्वपूर्ण और सुंदर पोशाक पहने पुरोहित चाकू उठाकर खड़ा था, जैसा कि इब्राहिम ने किया था जब वह अपने बेटे को मारने वाला था। एक भयानक शोर के साथ मंदिर का भीतरी पर्दा एक अदृश्य हाथ से ऊपर से नीचे तक फट जाता है, जिससे वह स्थान भीड़ की आंखों के सामने खुल जाता है जो कभी परमेश्वर की उपस्थिति से भरा रहता था। सब आतंक और भ्रम थे। पुरोहित बलि पशु को मरने वाला था, लेकिन चाकू उसके निडर हाथ से गिर जाता है और मेमना बच जाता है। ईश्वर के पुत्र की मृत्यु में टाइप को एंटीटाइप से मुलाकात हुई थी। बहुत बड़ा बलिदान दिया गया था। वहाँ पवित्र स्थान में जाने का रास्ता खुल गया। या डिजायर ऑफ एजेस 756:5-757:1 तक उस पुस्तक से लिया गया है। सबत का दिन और रीति विधि व्यवस्था। नंबर ए, 7वां दिन सबत का दिन है, निर्गमन 20:10। रीति विधि व्यवस्था में कई प्रकार के रीति विधि सबत शामिल थे। सबत दिन ईसा मसीह को सृष्टिकर्ता के रूप में इंगित करता है। रीति विधि व्यवस्था में मसीह को बलिदान के रूप में इंगित किया गया, दानियल 9:26-27, कुलुसियों 2:17। नंबर सी, सबत दिन मनुष्य के लिए बनाया गया, मरकुस 2:27। रीति विधि व्यवस्था हमारे खिलाफ था, कुलुसियों 2:14। नंबर डी, सबत का दिन सृष्टिकर्ता का स्मरण कराता है और दुनिया में पाप के प्रवेश से पहले इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी, उत्पत्ति 2:1-3, निर्गमन 20:8-11। रीति विधि व्यवस्था को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। क्या सबत के दिन को क्रूस पर किलों से ठोका जा सकता है? क्रूस पर क्या ठोका गया? क्रूस के पास रुकने वाले थे समारोह, पर्व, भेंट, फसा, बलिदान,
प्रतीकों और नमूना। ध्यान दें दोस्तों कि बलिदान, भेंट, पर्वों और रीति विधि व्यवस्था के अन्य प्रतीक क्रूस पर बंद हो गए, जबकि सबत दिन एदेन से लेकर एदेन तक फैला हुआ है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।